वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं आलू गवार की सब्जी। गवार की सब्जी? हाँ। अरे यहाँ पे सब पढ़े लिखे, अम्मी कहा तुम अनपढ़ गवार की सब्जी बना रहे? भाजी का नाम है गवार। हाँ देखो मेरे को ना सही में बोलू, मैं खाया तो बहुत बार, लेकिन मेरे को भाजी का नाम ही नहीं मालूम था अभी तक। अब जाके ये ध्यान में रहेगा कि हाँ गवार इसको ही बोलते हैं। लड़के लोग या आदमी लोगों को ना ये सब्जी का नाम नहीं मालूम रहता, जैसे कि मुझे ये सब्जी क्या, बहुत सारी सब्जियों के नाम नहीं मालूम रहता। प्लेट में आया, खा लो, हाथ धो लो, उठ जाओ। कौन सी भाजी बनाए थे? ग्रीन बीन्स, फ्रेंच बीन्स की भाजी बनाए थे। तो भाई अगर जिस किसी ने भी नहीं देखा रहेगा तो वो जाके भाजी देख लेना। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे, में गवार की सब्जी बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो तो सबसे पहले लेंगे हम गवार की सब्जी, आलू, प्याज, टमाटे, दही, हरी मिर्ची, कोथमीर, लहसुन, अदरक, कड़ी पत्ता, गरम मसाला पाउडर, एक गिल्ला खोपरा, और यहाँ लगेंगे हमको सारे मसाले, हल्दी, राई, जीरा, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले बता दूं मैं यहाँ पर 250 ग्राम गवार ली हूँ, जिसको के मैंने बड़े बड़े तोड़ ली हूँ। और गवार की बात एक बता दूँ आप लोगों को कि गवार आप जब भी लेंगे तो कौली कौली गवार लेना। एक मोटी गवार भी आती है इसमें, जो मोटे मोटे बीज होते हैं अंदर, उसके अंदर जरा सा ना कड़वा कड़वा टेस्ट आता है। तो गवार एकदम हार्ड और चौड़ी आती है, वो नहीं लेना। मोटी रहती वो भी नहीं लेना, क्योंकि उसको पकाने के बाद खाने के टाइम पे मुंह में हल्का सा कड़वापन आता है। इसलिए मैं कभी भी लेती हूँ ना तो इस तरीके की कौली कौली गवार लेती हूँ। ये गलती भी जल्दी है और इसमें कड़वापन बिल्कुल नहीं आता। और दूसरी बात, गवार को कभी भी छुरी से नहीं काटना, हाथों से ही तोड़ना, तभी गवार में कड़वापन नहीं आता है। तो मैं बता दूं आपको कि देखो मैं गवार तोड़ूंगी भी ना तो इसके रेशे इतने नहीं निकलेंगे, ये रेशे नहीं निकलेंगे, क्योंकि मेरी गवार कौली है। देखो ये रेशे बिल्कुल नहीं है। अगर आप मोटी गवार लेंगे तो आप तोड़ते साथ यहाँ का रेशा निकलता है एक लंबा, तो वो ज़रूर ले लेना। अगर आपको गवार पसंद है, अगर आपको गवार पतली नहीं मिल रही है तो मोटी वाली ले लेना, लेकिन उसके रेशे ज़रूर निकाल लेना, क्योंकि वो मुंह में आते हैं। ठीक है, तो मैं बस बता रही थी ये इस तरीके की मैंने बड़े बड़े तोड़ ली हूँ। यह हाथों की मदद से आराम से टूट जाती है, छुरी की कोई ज़रूरत ही नहीं लगती है। इसके लिए मैंने बड़े बड़े साइज़ में करी, आप चाहे तो छोटे छोटे साइज़ में कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसके लिए मसाला पीसने के लिए ली हूँ, ये एक टुकड़ा खोपरा ली हूँ मैंने, और ये 5 से 6 हरी मिर्ची ली हूँ, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ली हूँ, लहसुन ली हूँ 10-15 कली, और 1 चम्मच जीरा ली हूँ, और यहाँ पे ली हूँ मैंने कोथमीर। इसको मैं एक साथ मिक्सर में डाल के पीस लूँगी, लेकिन पीसना कैसा है हमको थोड़ा थोड़ा रुका के, हमको एकदम बारीक पेस्ट नहीं चाहिए, हमको दरदरा सा मसाला चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले इसको पीस के आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच पानी डाल के इसको पीस ली हूँ। ठीक है, इसको एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाई हूँ, हल्का सा दरदरा रखी हूँ। और यहाँ पे मैंने गवार को भी धो ली हूँ और आलू भी इसमें काट के ऐड कर दी हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई मेरी अच्छी खासी गर्म हो गई है। इसमें ऐड करेंगे हम तेल। तेल यहाँ पर मेरा गर्म हो गया है। तेल देखो मैं मेरे हिसाब से लेती हूँ, आप लोग अपने हिसाब से लेना, कोई कम खाता कोई ज़्यादा खाता। इसमें मैं डाली हूँ राई, 1/2 चम्मच जीरा, अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता, अब इसमें मैं ऐड करूँगी मेरी प्याज, इसको थोड़ा सा पकाएंगे हम, एकदम लाल नहीं करना है हमको, ब्राउन ब्राउन नहीं करना है, बस प्याज पक जाए उतना पकाना है 2 मिनट। तो यहाँ पर प्याज मेरी अच्छे से पक चुकी है, बस हमको इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब मैं यहाँ पे ये जो अदरक लहसुन हरी मिर्ची कोथमीर जीरा सब पीसी हूँ ना, ये ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसको ज़रा 1 मिनट के लिए पका लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर 1 मिनट तक अच्छे से मैंने पका ली हूँ। अब डालेंगे हमारे इसमें 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इसमें मैं मिर्ची की बुक्की या मिर्ची पाउडर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ लाल वाली, क्योंकि यहाँ मैं हरी मिर्ची में ही ये बना रही हूँ सब्जी। ठीक है, हरे मसाले की तरह। हाँ,
अब इसको मैं 2 मिनट अच्छे से भूनूंगी ये मसाले को। एकदम दूधी का हलवा दिख रहा है तो। हाँ चल निकाल के दू कटोरे में। तो यहाँ पर मैंने 2 मिनट ये मसालों को अच्छे से पका ली हूँ। अब क्या करेंगे हम, ये जो गवार है हमने यहाँ रखे है धो के, इसको ऐड करेंगे। यहाँ मैं गवार और आलू दोनों साथ में ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आलू कितना है? आलू मैंने एक ही ली हूँ, अब वजन तो नहीं करी, लेकिन एक बड़े साइज का आलू ले लेना। 100 ग्राम के इतना आलू था। आलू कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं ना आप, अपने पसंद के हिसाब से। मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ। अभी ये टाइम पे आके हम ये एक टमाटर इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें मैं पानी ऐड नहीं करने वाली हूँ। इसके लिए थोड़े टाइम के बाद मैं पानी डालूँगी, ज़रूरत लगेगी तो। अब ये टमाटे भी इसमें ही गल जाएंगे थोड़ा देर। तो चलो टमाटे डाल के यहाँ पर मैं 2 मिनट पकने रखी थी। टमाटे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हमारे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक मैं मेरे हिसाब से डालती हूँ, आप अपने हिसाब से डालना, ठीक है। इसमें ऐड करूँगी मैं अभी ये दही। मैंने टमाटर इसमें एक ही डाली हूँ, और ये हरे मसाले में बना रही हूँ, तो हरे मसाले में आप टमाटे हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, ठीक है। तो खट्टी तो नहीं होगी? बिल्कुल खट्टी नहीं होगी, मज़ेदार बनेगी। देखने में ही एक नंबर लग रही है, तो खाने में सोच ले तू, बहुत टेस्टी बनती है गवार की सब्जी। हाजमा जिसका ख़राब रहता है ना, उसके लिए भी बहुत अच्छी है। वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में तुम लोग, डाइजेस्ट? हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, उसके लिए ना वो पेशेंट को डॉक्टर ज़्यादा खाने बोलता है, गवार की सब्जी खाओ। किसके लिए बोलता है बोल रियाज एक बार? डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। हाँ, उसके लिए वो ऐसे पेशेंट को डॉक्टर इसको खाने बोलता है। अब मैं इसको दही डाली हूँ, अभी मैं इसको 2 से 3 मिनट तक दही के पानी में ही पकने दूंगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं, 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से पकने दी हूँ दही डाल के, ताकि दही का भी अच्छे से कच्चापन खत्म हो जाए। अभी इसमें ही दही पकाते पकाते, मसाला पकाते पकाते, टमाटे पकाते पकाते ही मेरी आधी सब्जी और आधा आलू गल चुका है, ठीक है। देखो मैं बताऊँ आपको, ये देखो है ना, मतलब अभी ये पूरा नहीं पका है। बता रही हूँ आप लोगों को कि मसाला और दही भूनते भूनते ही मेरा इतना पक चुका है। तो अब मैं इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा ही पानी हम इसमें ऐड करेंगे। हमको शिरवा नहीं चाहिए, हमारी सूखी सब्जी है ना, तो बस हम इतना ही पानी यूज़ करेंगे, ताकि हमारे जो आलू है ना वो धीमी आँच पर अभी गल जाए, आलू और गवार की सब्जी दोनों भी गल जाएगी, ठीक है। थोड़ा ही हम पानी डाले हैं इसमें, अब इसको ढक के मैं पकने दूंगी। तो चलो देखते हैं, 5 मिनट से इसको पका रही हूँ मैं, पानी डाल के रखी थी आलू और भाजी पकने के लिए। तो यहाँ पे माशाल्लाह मेरे को तो ऐसी ही दिख रहा है कि सब पक चुका है ना, भाजी तो खुला पकी हुई है, आलू भी गल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये हमारे गरम मसाला पाउडर, हमने जो साइड में रखे थे ना, ये ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ हम डाल देंगे ये कोथमीर। अब इसको मैं अच्छे से हिला लूँगा। इसी तरीके से पका के देखना, बहुत मस्त बनती है गवार की सब्जी। खाली मटन ही अच्छा नहीं बनता, सब्जी भी अच्छी बनती है। मुझे बोल रहे ना? हाँ, तुझे क्या बोलूँ, तू खाता ही नहीं ज्यादातर ना, लेकिन जो वेजिटेबल के फेवरेट है ना, जिसके शौकीन हाँ शौकीन लोग, उन लोग के लिए बता रही हूँ, ये बहुत मजे की बनती है गवार की सब्जी। खा के देखना इस तरीके से, मेरी तरीके से बना के, ठीक है। अब मैं इसको
एक मिनट के लिए पकने दूंगी, क्योंकि हमने गरम मसाला अभी अभी डाले हैं, तो बस एक मिनट के लिए मैं इसको ढक के रखूंगी धीमी आंच पे। तो एक मिनट हो गया यहाँ पे, गरम मसाला डाल के मैंने रखी थी, तो यहाँ पे मेरी सब्जी हो गई है तैयार। अब मैं इसको हिलाऊंगी नहीं, मैं हिला के दम पे रखी थी। गवार की सब्जी रेडी हो गई है, चटपटी एकदम। इसको चावल से खाओ, पराठे से खाओ, नान से खाओ, जिससे खाना है उससे खाओ, या सूखी चपाती से खाओ, बाजरे की रोटी से खाओ, ज्वारी की रोटी के साथ खाओ, ठीक है। तो दोस्तों तैयार हो गई है गवार की भाजी, नाम इतना एंटी है इसका, है ना। तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये भाजी किस किस को नहीं पसंद है। बहुत से लोगों को पसंद है, बहुत से लोग खाते हैं। हाँ है गिने चुने जिसको गवार पसंद ही नहीं है। अरे इस ढंग से बनाओ, सबको पसंद आएगा। नहीं, बहुत से लोगों को पढ़े लिखे पसंद है। ये सही बात है, ये भाजी ना मैं नहीं खाता हूँ। आजकल की लड़कियों को गवार नहीं पसंद है, पढ़े लिखे पसंद है। लेकिन आज ना मैं खाऊंगा ये भाजी, क्योंकि बनी है स्ट्रीट फूड जायका पे, और स्ट्रीट फूड जायका पे कुछ भी खाना पीना मेरा काम है, और काम मैं दिल लगा के करता हूँ। तो चलो भाई, ये गवार की भाजी बनाएंगे ना, तो क्या बोलेगा मम्मी, गवार गवार कम डालो, आलू आलू डालो मेरे को। और पालक की सब्जी भी बनेगी ना घर में, तभी भी बोलेगा। पराठे में पालक खा लेता है आराम से, चिकन में पालक खा लेता है, लेकिन जैसी पालक आलू बनाओ फिर बोलेगा मुझे आलू आलू दे दो, पालक पालक हटा लो। हाँ। लेकिन चिकन या मटन में ये सब मिक्स होके कुछ बनता ना, तो सब सब लेकिन नहीं यार, ये अच्छी बनी होगी, हमारे अब्बा को भी ना भी पसंद है। हाँ, और अब मैंने बनाया है हरे मसाले में। हाँ। तो बिल्कुल भी ये सोचना नहीं कि जो ग्रीन बीन्स यानी कि फ्रेंच बीन्स की जो भाजी अम्मी ने बनाए थे। हाँ। वो और ये सेम है, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। वो बहुत अलग है और ये बहुत अलग है। लो ये सब्जी, आलू तो सही में बहुत मस्त लग रहे मसाले वाले, तो मैंने आलू तो ले लिया है। अब ये रही भाजी, भर के खाऊंगा। देखो हर ने वाले अपने स्ट्रीट फूड जगह पे ऐसे ही रहते हैं। मसाले में मस्त लग रहा है, ये मसाला है अपने खोपरा डाले ना, खोपरा वो भी आ रहा है। ये खोपरा, ये गवार जो है ना, ये मैं बता दूं आप लोगों को, ये डिश मेरी बड़ी बहन की है। मतलब कोई बना दे और कोई बना ही नहीं सकता है। हाँ, बनाते सब है, लेकिन सब अपने अपने तरीके से बनाते ना। मुझे लगा उनसे लेके बनाना पड़ेगा। ये मेरी बहन बनाती थी गवार की सब्जी में ऐसा कोकोनट डाल के, तो हम जब उसके घर पे गए थे तो इसके बाप को बहुत पसंद आई थी। मुझे घर पे आने के बाद बोले गवार की सब्जी बना चल, बोले चलो मैं बनाती, ऐसी मत बनाना जैसा तू बनाती, फिर कैसी बनाना, वैसी बनाना जैसा तू आपा के घर से खा के आई है। उनको इतनी पसंद आई थी, तो बस वही डिश आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस बात को भी हो गया कम से कम 20-25 साल से बना रही हूँ ये भाजी मैं इस तरीके से। बहुत टेस्टी बनती है और बहुत जायकेदार बनती है, आप लोग टेस्ट करके बताना, बना के खाना। तो भाई इसी बात पे मेरे खाला के लिए भी जरा दुआ किया जाए, उनकी भी तबीयत थोड़ी बहुत खराब रहती है। हाँ सच्ची में, वो भी बीमार रहती है, इसके बाप के लिए दुआ करो, उनकी भी तबीयत बहुत खराब है। हाँ। 3-4 दिन से तो बहुत ज्यादा ही खराब है, इसलिए ठीक है। अच्छी बना रही है भाजी, है ना, मस्त। अभी घर में सबकी तबीयत तो थोड़ी थोड़ी सही हो गई है, लेकिन इसके बाप की तबीयत खराब हो गई है, तो प्लीज यार दुआ कीजिए अब्बा के लिए, हर उस मोमिन मुसलमान के लिए, हर उस वो लोग के लिए जिनकी तबीयत खराब है, सबकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। सबको अल्लाह शफा दे, अच्छे से शिफा अता करे, जरा दुआ करना, सही में दुआओं की बहुत जरूरत है। मस्त लग रही है, मस्त लग रही ना, पेट भर के खाएंगा अभी यही भाजी से। भाजी में सूखा नहीं खाता, खाता ही नहीं है। मेन बात क्या, मैं अच्छी बनाती हूँ लेकिन खाता ही नहीं है। आज खा रहा है बोल के, बोल रहा है कि अच्छी बनी, नहीं तो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को तुम दाल दे दो, एक बोटी फ्राई करके दे दो। कुछ भी बनेगा तो यही रहता है इसका। तो भाई क्या गवार तो कैसी लगी है भाजी, कमेंट करके जरूर बताना भाजी तो कैसी, गवार अच्छी लगती मतलब अभी मैंने खाया तो मालूम पड़ा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ऐसी रेसिपी कोई मिलती जुलती अगर अपने घर पे बनाता है तो वो भी जरूर अच्छा कमेंट करके बताना। इसमें कड़वा फील आ रहा है? नहीं जरा भी नहीं। बहुत से लोग के माइंड सेट हो गए ले कि गवार की सब्जी कड़वी होती है, पहले इसको बॉईल कर लो, का पानी फेंक दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने देखो इसको ना बॉईल करी ना कुछ करी, मैंने सिंपल भाजी बनाई। इसी तरीके से आप भी बना के खाना, बिल्कुल कड़वी नहीं होती है, छुरी से बिल्कुल नहीं काटना। तो जरूर कड़वी है ना, हाथ से देखो आ गया मेरे को।
तो जरूर कड़वी हो जाएगी। ये सब्जी को छुरी से नहीं काटी जाती, ठीक है। तो मैं बोल रहा था भाई, हमारे चैनल पे जो नया है, जिन्होंने अभी देखे सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते वीडियो को भी लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम की आईडी है स्ट्रीट फूड जायका। काम की बात है, मैं भी वही बोलती वेजिटेबल के जितने शौकीन है जो कमेंट्स करते रहते वेजिटेबल बनाओ, वेजिटेबल भी सब। हाँ भाई, वेजिटेबल वालों शेयर करो, खुश हो गए थे ना आज का वीडियो देख के, तो थोड़ा शेयर करो मेरे वीडियो को, लाइक करो, रिश्तेदारों में सब्सक्राइब करा दो और शेयर कर दो अच्छी तरीके। हाँ, ठीक है, एक बार शेयर कर दो, देखने वाला अपने आप देखेगा। हाँ, मैं और मेरे घर में बनने वाली सब्जी इसी तरीके से लाते रहूंगी और बनाते रहूंगी। हाँ, ठीक है, तो ये आप सजेस्ट करो कमेंट करके कि ये रेसिपी भी बची है वेज की, तो हम वेज की भी इंशाल्लाह वीडियो आते रहेगी अभी थोड़े थोड़े दिन में। ठीक है, तो चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज, बाय बाय। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना।